ग्वालियर के सिटी सेंटर क्षेत्र में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस मल्टी में करीब 80 परिवार के लोग रहते हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। ग्वालियर के सिटी सेंटर में उस वक्त स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया जब एमके इलेक्ट्रिसिटी में बेसमेंट में आग लग गई। आग के लपटे बेसमेंट से उठी तो पूरी बहुमंजिला इमारत में धुआं भर गया और लोग घुटन से घबराकर अपने फ्लैट की बालकनी में आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। इससे पहले फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन से बिल्डिंग में फंसे बुजुर्गों और महिलाओं को बालकनी के रास्ते निकाला गया। मौके पर फायर ब्रिगेड के अमले के अलावा स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आशंका जताई जा रही है कि बेसमेंट में रखे कबाड़ या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना के समय एमके इलेक्ट्रिसिटी का फायर सिस्टम भी फेल हो गया था। टावर में लगभग 3 बजे आग लगी थी। आग लगने के बाद में सूचित किया गया प्रशासन को भी ताकि आग बुझाने की गाड़ियां आ सके, पर यहां पर आग लगने का कारण है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर इन लोगों ने अपना बिल्डिंग का मटेरियल भरा हुआ है जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग इतनी फैल गई। सूखी लकड़ियां थी जिसकी वजह से आग इतनी फैली कि पूरे 8वें 9वें फ्लोर तक सारी आग की लपटें पहुंची और 8वें 9वें फ्लोर तक अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको नहीं निकाल पा रहे। पिछले 3 घंटे से फंसे हुए हैं। किस फ्लोर पे कितने आदमी फंसे हुए हैं, कितने बेहोश हुए हैं अभी तक किसी को नहीं पता है। किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ समय पश्चात जब सब लोग नीचे उतर जाएंगे तब देखा जाएगा आग बुझने के पश्चात कि कितने आदमी बचे हैं। जी सभी लोग सकुशल हैं, जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। जितने भी लोग थे बिल्डिंग पर सभी लोगों को उतार लिया गया है। किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। ऐसे बहुत ज्यादा किसी की तबीयत खराब नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत सफोकेशन हो रहा था वहाँ हमने 2-3 पहले से ही 108 बुलवा के रखी थी। वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, उनने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, अब वो सकुशल है। सूचना मिली थी कि एमपीसीटी में इसमें आग लगी हुई है। यहाँ तत्काल गाड़ी लेकर आए, पर यहाँ स्टाफ द्वारा मांग की गई कि बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा दृष्टि से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर आए। अभी हमने करीबन 20 के आसपास महिला बच्चों, अभी तो नवजात कुछ महीनों का बच्चा भी हमने बचाया, जो ऐसे करीबन 20 आदमी के आसपास में बचा देगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।